हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है ज्वेलरी की, क्योंकि अभी मुझे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, मतलब जो सिचुएशन चल रही है, तो फिर हम लोगों को शादी में जाना है, तो उसके हिसाब से मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी जो है वो परचेज़ की है। अमेज़ॉन से मैंने उनको ख़रीदा है। इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो भी आपको ज्वेलरी पसंद आती है वो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कल जो मैंने अपने सूट वगैरह का हॉल किया था, कुर्ती का, तो वहाँ पर भी मैंने एक ना नेकलेस पहना हुआ था, उसकी बहुत तारीफ़ की थी आप लोगों ने, वो भी इसी हॉल में शामिल है। मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये कहाँ से ख़रीदा था। बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर आए, कुछ क्वेश्चन मेरे पास मेरे कमेंट सेक्शन में जहां पर मेरा वीडियो था वहां पर भी आए, सबने पूछा कि कहां से लिया, सबको वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो चलिए एक एक करके अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ, जो पसंद आएगा मुझे बताइएगा आपको कौन सा वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और जो पसंद आया वो आप ले भी सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ अपनी इस ज्वेलरी की। ये जो मैंने यहाँ पर पहना हुआ है, ये इस तरीके का है, ब्लैक मेटल का है ये, और यहाँ पर ना एक पीकॉक इस पर बना हुआ है आप जो देख रहे होंगे, और जो कान के इसके ईयर रिंग्स हैं इन पर भी ना एक पीकॉक का मतलब प्रिंट हो रखा है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने पिक में देखा था, इसको ना एकदम लंबाई में ऐसे करके पहना हुआ था, इसको आप बिल्कुल टाइट करके भी पहन सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं पहन सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से पहना हुआ था। थोड़ा सा इसको सेट करना मुश्किल है, लेकिन ये है वैसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। अगर आप इसको बिल्कुल नेक से लगा कर रखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये है, इसकी जो ब्रांड है वो है वूजो, तो बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया था। प्राइस वगैरह जो होंगे आपको चेक करने होंगे, वो सभी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। एक तो यही हुआ, और साथ ही हुई ये वाली चूड़ियाँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं, और इस पर बहुत ही सारा काम हो रखा है, कुंदन वर्क वगैरह है इसके ऊपर, और थोड़ा सा बीड्स वगैरह भी लगे हुए हैं, जो ये बहुत ही ज्यादा गोल्डन कलर की बहुत ही मुझे खूबसूरत लगी, इसलिए मैंने इनको मंगा लिया था। हालांकि मुझे इनका प्राइस ना थोड़ा सा ज्यादा लगा, इसका कारण ये भी हो सकता है, एक तो ये कांच की हैं, ये टूटे ना, इसके लिए इन्होंने इसकी पैकेजिंग काफी खूबसूरत सी दी थी, इस तरीके से एक मजबूत से बॉक्स में ये आया था, और साथ में यहाँ इसके अंदर एक इस तरीके का ये जो पोटली होती है ना, इस पोटली में आया था। आपको जब यूज़ नहीं करना है, यूज़ में नहीं है, तो आप इसे पोटली में बांधकर भी रख सकते हैं। इसकी ब्रांड अगर मैं बात करूँ तो इसकी ब्रांड है स्वरा क्रिएशंस, तो ये इस तरीके का है। इसका भी लिंक आपको ये बैंगल्स वगैरह का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये भी वैसे मुझे पसंद बहुत आई है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी बस मुझको। अब वो वाला नेकलेस जिसके बारे में आप लोगों ने मुझसे बहुत कल क्वेश्चंस किए थे, आप लोगों को बहुत पसंद आया था, सच में ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। ये देखिए नीचे यहाँ पर ये पूरे में ना बीड्स वर्क हो रखा है, यहाँ पर ये बीड्स ही बीड्स हैं, ये इसकी वजह से बहुत सुंदर लगा। लॉन्ग है ये, और यहाँ पर ये वाला जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत सा है, पीकॉक बने हुए हैं इस पर, मुझे ये देखते ही पसंद आ गया था। प्राइस भी इसका काफ़ी मतलब इनएक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव नहीं है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, और पहनकर भी बहुत अच्छा लग रहा था। इस वाली कुर्ती के साथ भी मैंने इसको आज पहन के देखा, यहाँ इसके साथ भी खूबसूरत लग रहा था। जो कल मैंने लाइट ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी थी उस पर तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दूसरी बात ये, काफ़ी लाइट वेट है ये ज्वेलरी, मतलब जितनी भी मैंने ली है सभी लाइट वेट है। जैसे अब समर्स है ना, समर्स में ना ज़्यादा हैवी ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको कैरी करना, और ज़्यादा हैवी होती हैं तो फिर स्वेटिंग वगैरह का भी बहुत ज़्यादा रहता है कि बहुत हैवी है, बहुत भरी भरी सी है, तो उसके हिसाब से मुझे ये जो ज्वेलरी है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसके बाद मैं ये एक और मैंने इयर रिंग्स मंगाए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ब्रांड है इसका जावेरी पर्ल्स। जावेरी पर्ल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, इनकी ज्वेलरी मुझे काफ़ी पसंद है, और ये भी मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ये देख लीजिए, इस पर इस तरीके का कुछ डिज़ाइन है, और इस पर ना लोटस बने हुए हैं ब्लू और पिंक कलर में, और थोड़ा थोड़ा सा इसमें वाइट भी है, वाइट कलर के बीड्स हैं, तो और गोल्डन भी है। बहुत ही सुंदर लग रहे थे जब मैंने इनको पहना था, आप देख सकते हैं अभी मैं इसको लगाकर भी दिखा रही हूँ कितने प्यारे लग रहे हैं ये। इनको अगर आप पहन लो अगर, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग है, तो इसके लिए फिर आपको नेक में कोई नेक पीस वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्की सी गोल्ड की अगर चेन डालना चाहो तो वो डाल सकते हो, या फिर आर्टिफिशियल भी, लेकिन बहुत पतली सी चेन, क्योंकि अपने आप में ही ये काफ़ी हैवी है। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आए, मतलब जितनी भी ज्वेलरी आई है ना मुझे पसंद आई। ये बस बैंगल्स हैं एक जिनको मैं बोल रही हूँ, ये मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लगी, वैसे हैं बहुत खूबसूरत, ऐसा नहीं है, और एक्सपेंसिव है बस। अब इसके बाद ये एक और मैं छोटे छोटे से मैंने मंगवाए हैं, ये इस तरीके की झुमकियाँ।
जो कि मार्केट में आपको, जो अगर आप सिंगल पेयर लेना चाहते हैं एक इस तरीके का, तो वो आपको 40 या 50 का मिलता है। ये मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मिल गए हैं। लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, वहीं आप देख लीजिएगा। और सारे कलर हैं, आप जो चाहे, मतलब आपने जो कुर्ती पहनी है उसके साथ इसको पहन सकते हैं। और आजकल मेरे जितने भी आप वीडियोज़ देख रहे होंगे ना, उनमें आप ज़्यादातर मुझे ये पहने हुए देख रहे होंगे। 2-3 वीडियोज़ से, 2-3 ब्लॉग से ना मैं ये डेली में ही पहन रही हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। एक तो सबसे अच्छी बात है, हर कलर है, आपको जो कलर चाहिए, पिंक है, वाइट है, ग्रीन, मतलब सारे ही कलर्स इसके अंदर है, तो हर कुर्ती के साथ ये चल जाएगा, इसलिए मैंने इसको मंगाया। और है भी सुंदर सा कुर्तियों के साथ ना, वैसे आप डेली में कहीं छोटा मोटा फंक्शन में भी अगर आप जा रहे हैं, डेली में भी, घर में भी अगर पहनना चाहते हैं ना, इस तरीके की इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद भाई अपने लिए इतना सारा सामान मंगाया, तविशे के लिए भी तो बनाना पड़ता है ना, तो मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे से इसके लिए ये इस तरीके के इयररिंग्स लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं ये, क्योंकि इनमें ना अलग अलग शेप में और बहुत ही लाइट वेट है। एक और चीज़ मैं आपकी इसके आपको अच्छी बताती हूँ, इसमें ना पीछे जो आप ये पिन देख रहे हो, जो मतलब आप जो पिन आप समझ गए होंगे, जो बैक साइड में लगती है, ये ना किसी लोहे या मेटल की नहीं है, ये मुझे लग रहा है ये सिलिकॉन की है। तो आप बच्चा अगर इसे घर पे पूरा दिन भी पहन रहा है, रात या दिन भी पहन रहा है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे, अलग अलग शेप के हैं। अगर किसी बच्चे का बर्थडे वगैरह भी है, बच्चों को बर्थडे वगैरह होते ही हैं, गर्ल्स को आप इस तरीके का कोई गिफ्ट दे दें तो वो बहुत खुश होंगी। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। रिटर्न गिफ्ट में भी आप इसको दे सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मुझे मिल गया था। और इसमें शेप देखो, बनाना है, स्माइली है, बटरफ्लाई, रैबिट, अलग अलग शेप्स हैं, इसलिए बहुत अच्छा है बच्चे की हर ड्रेस पे, मतलब लड़कियों की हर ड्रेस पे ये जाएगा। तविशे को बहुत पसंद आया, तविशे तो घर में भी पहन के इसको घूम रही है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रांड इसका क्या है, इयर रिंग्स बॉक्स सेट 36 पेयर, ऐसे करके स्टाइलिश स्टड इयर रिंग इसका हुआ है। 36 इसका जो है ना, इसमें पूरे पेयर हैं, तो आप देख सकते हैं पूरा सेट है ये 36 पेयर का, मुझे बहुत पसंद आया ये। अब बात कर लेते हैं एक और ज्वेलरी की, जो है ये, और ये क्या है, YC येल्लो चाइम्स। अच्छा, येल्लो चाइम्स इसका जो है ब्रांड है। ये भी कल के हॉल में मैंने जो कुर्ती वाला दिखाया था उसमें इसको पहना था। और सबसे अच्छी बात, ये मैंने क्यों लिया, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब मैंने इसे अमेजोन पे देखा था, तो वहाँ पे ना हिना खान की जो है ना फोटो भी लगी हुई थी कि हिना खान ने इसको पहना है, तो मुझे ये देखते वैसे भी पसंद आया था। फिर मैंने देखा, अरे ये हिना खान ने भी पहना हुआ, फिर तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कल जब मैंने इसको पहना था, इसके बारे में भी लोगों ने बोला था कि आपके दोनों ही नेकलेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर ना इसमें छोटे छोटे से मेरे ख्याल से फिश है, तो ये बहुत ही प्यारा है, इतना सुंदर, इसे जब गले पे इस तरीके से लगाते हैं बहुत ही प्यारा लगता है ये। और ये दो कलर में है, जैसे मेरा तो ये सिल्वर और गोल्डन है, एक पूरा सिल्वर भी है, मतलब ऊपर भी सिल्वर और नीचे जो इसके बीड्स हैं वो भी सिल्वर है। और इसके साथ आए हैं इयर रिंग्स इस तरीके के, एक ये वाला है और एक ये नीचे गिर गया था, एक ये वाला है, तो ये दोनों हैं। ये भी इसी तरीके से हैं, ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं और काफ़ी लाइट वेट है, आप इसको आराम से समर्स में कैरी कर सकते हो। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे ना इस बार जितनी भी सारी ज्वेलरी मैंने ली है ना, सारी ही पसंद आई है, बहुत ही खूबसूरत है। आप सबसे आखिर में दिखाती हूँ ये वाली ज्वेलरी, ये जावेरी पर्ल्स ब्रांड से है। और इसका जो ये नेकलेस है, ये भी बहुत खूबसूरत है, इसका कलर देखिए आप, है ना प्यारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इसमें ये जो ग्रीन कलर के बीड्स हैं, ये बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं, बहुत ही सुंदर सा कलर है, और इस पर स्टोन्स से फ्लावर बने हुए हैं। इसके साथ टॉप्स जो आए हैं ना, इसके जो इस तरीके के ये आए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे से हैं, लेकिन हाँ ये जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी क्या हुआ, एक डांस शो शायद आता है जिसमें माधुरी दीक्षित जी भी आती हैं, तो उसमें उन्होंने वाइट टॉप और शायद रेड कलर की स्कर्ट पहना था, तो वाइट टॉप के ऊपर उन्होंने इसी तरीके का, मतलब ग्रीन कलर का एक नेकलेस पहना हुआ है। टिप, मतलब बिल्कुल आप ये तो नहीं कह सकते कि इसकी कॉपी है, लेकिन जो ग्रीन कलर था ना और ये जो स्टोन वर्क था, आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है, ग्रीन नेकलेस और उसके साथ स्टोन वर्क, तो उन्हें ही देख के फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये तो काफ़ी ज़्यादा का ट्रेंड में है, तो इसलिए मैंने ये मंगाया था। और एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने भी ये मंगाया था, तो मुझे ये बहुत पसंद आया था, तो ये है। तो बस यही थी छोटी सी शॉपिंग। आपको अगर लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मुझे ये भी पसंद आया काफ़ी, और वो लॉन्ग वाला जो कल आपने जिसकी तारीफ की थी, वो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो छोटी सी शॉपिंग थी, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।